आज की वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज रोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर आ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, नम्रता और दिव्या की मान लेते हैं, माना नम्रता और दिव्या की वर्तमान आयु 4x तथा 3x है, 4x वर्ष तथा 3x वर्ष है, ठीक। और आगे चार वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात पूछा, तो 4 वर्ष बाद भी निकाल लेते इसी वक्त, 4 वर्ष बाद नम्रता और दिव्या की आयु क्या होगा, 4x प्लस 4, 4 वर्ष बाद क्या होगा, जुड़ जाएगा 4 तथा 3x प्लस 4 वर्ष है, ठीक। इतना है 4 वर्ष बाद, तो प्रश्नानुसार कह रहा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, मतलब जो 4x और 3x है इनका योग जो है 28 वर्ष के बराबर है। 4 × 3 = 7, 7x हो जाएगा 28 के बराबर, x बराबर 28/7, तो क्या हो जाएगा 7 × 28, 7 × 7 = 28, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 4, x का मान आ गया 4। अब 4 वर्ष बाद हम निकालेंगे, 4 वर्ष बाद यहाँ पर दिया गया है 4 × 4 = 4, 4 × 16 = 4 = 20 के, और 3 × 4 + 4 = 4 × 12 = 4, 12 × 4 = 16, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20/16, 4 × 16, 4 × 5 = 20, यहाँ पर जो अनुपात आ जाएगा 5:4, यही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 5:4। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।